ओम शांति। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 मार्च को हैप्पीनेस डे के रूप में मनाने के लिए सारे विश्व भर के देशों से 2012 में ये रेजोल्यूशन पास किया और करीबन 156 देश ने अपनी स्वीकृति दिया कि सही में 20 मार्च को ये हैप्पीनेस डे के रूप में मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया भर में दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए तो लोगों के जीवन में खुशी कमी होती जा रही है। लोग खुश तो होना चाहते हैं लेकिन पता नहीं खुश रह नहीं पाते हैं। क्षणिक खुशी मिलती भी है कुछ चीज वस्तुओं को लेकर के, लेकिन सदाकाल की खुशी गायब होती जा रही है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो इस साल भारत का नंबर 122वें स्थान पर आ गया। इससे सिद्ध होता है कि जिस भारत के लिए गायन था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, जहां हर आत्मा इतने खुशकिस्मत थे, दिव्य दुनिया थी, लेकिन आज उस दैवी भारत की ये हाल है कि 122वें स्थान पर विश्व के अंदर उसका हैप्पीनेस इंडेक्स आता है। तो जरूर आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि ऐसे हमारे देश के लोगों के अंदर क्या बात आ रही है जिस कारण हैप्पीनेस इंडेक्स दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। आज से 400 साल पहले भी किसी ने बहुत सही कहा था कि जब एक विदेशी भारत भ्रमण करने आया, उसने लंदन की रानी को पत्र लिखा कि भारत देश का भ्रमण मैंने किया, लेकिन इस देश में मैंने देखा कि एक भी व्यक्ति चोर नहीं है और एक भी व्यक्ति भिखारी नहीं है। इतनी ऊंची संस्कृति जहां हो आज से 400 साल पहले भी, और उस देश के हैप्पीनेस इंडेक्स इतनी कम हो जाए आज, तो सोचने की बात है। क्योंकि 156 देशों ने अगर ये रेजोल्यूशन मिलकर के पास किया और 156 में से 122वें स्थान पर आ रहा है, तो सोचना आवश्यक है। जिस तरह से हैप्पीनेस इंडेक्स को नापने के लिए जो मुख्य बातें बताई गई है कि एक तो संसार के अंदर गरीबी नहीं होनी चाहिए, या उस देश के हैप्पीनेस इंडेक्स को नापने के लिए गरीबी नहीं होनी चाहिए, भूख नहीं होनी चाहिए, कोई भूखा सोना नहीं चाहिए, और सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ हो कॉन्स्टेंटली, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी हो, पोल्यूशन भी ना हो, ऐसे कई क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि जिससे व्यक्ति का हैप्पीनेस इंडेक्स नापा जाता है। लेकिन इन सब बातों को सस्टेन करने के लिए देखा जाता कि आज व्यक्ति के अंदर ऐसी कौन सी बात आ गई जिस कारण से ये इकोलॉजी को इम्बैलेंस हो रहा है, या गरीबी, भूख, ये सब बातें अगर आ रही है तो उसका मतलब मनुष्य की मनोवृत्ति के अंदर कुछ ऐसी बात आ गई है जिस मनोवृत्ति को सही करने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो गीता में एक ही बात भगवान ने कही थी अर्जुन को कि जब लोगों के अंदर आसक्ति आ जाती है, आसक्ति किसी भी चीज़ की, और उस अनुसार होड़ करना जब आरंभ करता है व्यक्ति, तो नेचुरल है कि होड़ के उसमें लगने से व्यक्ति की धीरे धीरे उसी के प्रति बुद्धि जाती है और उसकी खुशी गायब होने लगती है। जब होड़ नहीं था हमारे देश में, समाज के अंदर हर चीज हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध था और काफी मात्रा में था, तब कहा कि कोई गरीब नहीं है और कोई भूखा नहीं है, कोई चोर नहीं है। अर्थात कि आसक्ति व्यक्ति के अंदर नहीं थी, समाज के अंदर हर चीज एक परिवार की भांति से सब मिल करके बांटते थे, खाते थे और मिल करके उसको यूज करते थे।
लेकिन आज जहाँ व्यक्ति के अंदर स्वार्थ वृत्ति आ गई और उस स्वार्थ में भी जब आसक्ति आने लगती है तो नेचुरल है कि उससे व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो जाता और खुद के प्रति सोचता है और खुद के प्रति ही सारा इकट्ठा करने का प्रयत्न करता है, तो वो दूसरी कोई भी चीज़ को संतुलन में नहीं रख पाता और वो संतुलन उसका बिगड़ने लगता है। ये वृत्ति भी मनुष्य जीवन के अंदर क्यों आई? मनुष्य जीवन में ये वृत्ति भी इसलिए आई कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता का अभाव है, आध्यात्मिकता की कमी है। क्योंकि आध्यात्मिक जागृति जब व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो वह मानसिक रूप से जब भरपूर होने लगता है, आध्यात्मिकता व्यक्ति को भीतर से समृद्ध करता है, उसकी मानसिकता को इतना ऊंचा उठा देता है, उसकी दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है, वृत्ति में परिवर्तन आता है। जब वो हर इंसान को भाई भाई के रूप में देखना आरंभ करता है, वो दैहिक दृष्टि नहीं है, वो दैहिक वृत्ति नहीं है जिस कारण व्यक्ति नीचे गिर जाए, चारित्रिक रूप से नीचे गिरना आरंभ करे। जब आत्मिक भाव, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि दूसरों को भी उस भावना से देखना आरंभ करता है कि ये भी परमात्मा की संतान है, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, और इस तरह से एक फीलिंग को क्रिएट करता है, तो नेचुरल है एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम जागृत करते हैं। समाज के अंदर तब व्यक्ति खुशी आनंद से जीने लगता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए कि खाली मनुष्य आत्मा के प्रति ये भावना नहीं, लेकिन जहाँ हर प्राणी मात्र के प्रति ये भाव जागृत होने लगे कि उसे भी जीने का अधिकार है, ये प्रकृति, ये ईश्वर के अंदर हर प्राणी मात्र को जीने का अधिकार है, तो वो किसी प्राणी को दुख देने का भाव, दुख देने की वृत्ति उसके अंदर नहीं आती है। वहां तक कि पेड़ पौधों के प्रति भी उसको अंदर से रिस्पेक्ट जागृत होता है, सम्मान उत्पन्न होता है कि ये पेड़ पौधे भी ईश्वर की बनाई हुई एक खूबसूरत रचना है और ये भी हमें इतना सुंदर जीने का एक स्रोत, ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो प्रकृति के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर, हर आत्मा के ऊपर उसका ये भाव नेचुरल है, उसकी भावना को बहुत श्रेष्ठ कर देता है। जब व्यक्ति भीतर से समृद्ध होता है तो उदारता स्वतः उसके अंदर आने लगती है, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स का ये भी एक क्राइटेरिया देखा गया है कि देश के लोगों के अंदर उदारता कितनी है, कितना उनके अंदर दान करने की प्रवृत्ति है। यहाँ दान का भाव खाली व्यक्तियों के प्रति नहीं, समाज के लोगों के प्रति खाली नहीं, लेकिन पशु पक्षी और प्रकृति के प्रति भी हमारे अंदर देने की भावना कितनी है। जिस देश के अंदर एक समय में देवता थे, देवता यानी जो देना चाहते हैं, देवता माना जिसका स्वभाव ही है देने का, जिसका हाथ सदैव आशीर्वाद की मुद्रा में अर्थात देने की भावना रखता है, जिनके दिल के अंदर भी हमेशा देने की भावना बनी रहती है, उसी का नाम तो देवता है। आज हम अगर प्रकृति के अंदर देखें, संसार के अंदर देखें, हर चीज दे रही है, पेड़ पौधे हमें दे रहा है, सूर्य हमें दे रहा है, नदियां हमें दे रही है, हर चीज हमें दे रही है, वहां तक कि जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं ये भी हमें आराम दे रहा है, पंखे हैं हमें हवा दे रही है, शीतलता प्रदान करती है, छत है हमें आराम देती है, सुरक्षा देती है, हर चीज इस संसार के अंदर दे रही है। लेकिन आज मनुष्य देवता के बदले लेवता हो गया है। क्यों न हम भी कुछ न कुछ देना आरंभ करें,
अगर ये संकल्प अंदर में कर ले कि हम भी देना चालू करें, खाली चीज वस्तु या पैसे देने की बात नहीं है, हम बहुत कुछ दे सकते हैं। हम किसी को खुशी दे सकते हैं, अच्छे बोल बोल करके उनके मन को संतुष्ट कर सकते हैं। हम किसी के प्रति अच्छी भावना शुभ कामना दे सकते हैं। हम किसी को दुआएं दे सकते हैं। बहुत कुछ है जो हम दे सकते हैं, और जिस दिन हर व्यक्ति के अंदर ये देने का भाव जागृत हो जाएगा, तो नेचुरल है ये संसार के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आध्यात्मिकता हमें यही समृद्धि अंदर से प्रदान करती है कि जहाँ आत्मा समृद्ध होने लगती है तो उसके मुख से जो निकलता है वो भी दूसरों को कोई ना कोई रूप से देना ही आरंभ करता है। किसी को खुशी देते हैं, किसी को संतुष्टि देते हैं, किसी को अच्छी भावनाएं हम देते हैं। तो इसीलिए खुशी जीवन के अंदर चीज वस्तुओं से खाली नहीं आती है। आज जो व्यक्ति आसक्ति के वश इकट्ठा करना चालू करता है, कभी कभी संकल्प आता है, सोच चलता है कि आखिर ये किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा तो किसी और के लिए कर रहा है, खुद तो भोग नहीं पाएगा, कितना भोग पाएगा इंसान। और भोगने से पूर्व ही शरीर छूट गया तो किसके लिए इकट्ठा करके जाएंगे? पीछे वालों के लिए ही, चाहे बच्चे हो पोते हो, उनके लिए। पूर्व जन्म में मानो के वही बच्चे वही पोते कोई और थे जिनसे हमने लिया था। कर्म की गुह्य गति के हिसाब से अगर देखा जाए, जिनसे लिया है वही कहीं ना कहीं हमारे समीप आते हैं। सदा खुशी में रहते हुए हरेक को हर चीज बांटना शुरू करें। आध्यात्मिकता ये एक विशालता हमारे अंदर ले आती है। विशाल सोच, सकारात्मक सोच हमारे भीतर ले आती है। और जब इस तरह की भावना आएगी तो नेचुरल है समाज के अंदर न गरीबी होगी, न कोई भूख से मरेगा। जब देने की भावना हमारे अंदर आ जाती है तो डेवलपमेंट भी अपने आप होने लगता है। स्वच्छता, जिसके लिए आज समाज के हर वर्ग प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छ भारत का अभियान हम लोग ने चलाया है, लेकिन स्वच्छता बाहर तभी आएगी जब मनुष्य का मन स्वच्छ होगा। जब तक अंदर में स्वच्छता नहीं है, विचारों में स्वच्छता नहीं है, विचारों में अगर नकारात्मकता है, विचारों के अंदर दूषित भावनाएं हैं, तो बाहर कितनी भी सफाई कर ले, कैसे वो सफाई टेम्पररी या एक दिखावे की हो जाती है। लेकिन जब मन साफ है, हमारी भावनाएं शुद्ध है, हमारे विचारों में वो स्वच्छता सकारात्मकता आने लगती है, तो नेचुरल है कि उसके ही वाइब्रेशंस बाहर की ओर जाते हैं कि हम गंदगी ही न करें। एक जगह कहीं गंदगी करते हैं, दूसरी ओर सफाई करते हैं। भावार्थ ये कि जब व्यक्ति के भीतर की स्वच्छता होगी तो वही रिफ्लेक्ट करती है बाहर, और बाहर में भी वो वातावरण को भी दूषित नहीं करता है और प्रकृति को भी अस्वच्छ नहीं करता है। स्वच्छता एक नेचुरल संस्कार होने लगता है। इसीलिए कहा आध्यात्मिकता हर रीति से हमें सूक्ष्मता में ले जाती है, और जब भीतर से हम उन सस्टेनेबल गोल्स को अपनाते हैं तब वही बाहर की ओर भी रिफ्लेक्ट होना चालू होता है। इकोलॉजिकल बैलेंस जिसको हमने कहा, वो भी तभी आती है जब व्यक्ति का मन संतुलित है। मन के अंदर असंतुलन है, नकारात्मकता है, अशुद्धि है, तो जरूर है बाहर में भी वो चीज़ें आएगी, और वही चीज़ व्यक्ति को अंदर से भी दुखी करती है, खुश रहने नहीं देती है।
और ना वो खुशी का अनुभव उसको जीवन के अंदर होने लगता है। चीज वस्तुएं हमारे पास आ जाती है। आज कोई कह देता है कि हाँ ये चीज़ मेरे पास हो तो मैं सदा खुश रहूं, ये चीज़ आ जाए तो मैं सदा खुश हूं, लेकिन ये चीज़ आ जाने के बाद भी क्या व्यक्ति सदा खुश है? नहीं है। तो इसीलिए भीतर की समृद्धि नहीं है। आज व्यक्ति के अंदर पैसे की गरीबी नहीं है, लेकिन अच्छे संस्कारों की गरीबी आ गई है। आज व्यक्ति का चरित्र में गरीबी आ गई है। इसीलिए आज बाहर में कितनी भी समृद्धि को विकसित करने के प्रयास में व्यक्ति रहे, लेकिन फिर भी जब तक भीतर से व्यक्ति समृद्ध न हो, छोटे छोटे देश, जापान देश जैसे देश या डेनमार्क जैसे देश जो हमेशा नंबर वन में रहे, वही बताता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं वो समृद्धि है, इसलिए वो खुश है, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ऊंचा जाता है। लेकिन आज अगर संस्कारों में गरीबी आ गई, चरित्र में गरीबी आ गई, जितना व्यक्ति अंदर से नीचे गिरता जाता है उतनी उसकी खुशी भी गायब हो जाती है। ये तो सिंपल इक्वेशन है कि किसी को दुख देने के बाद क्या व्यक्ति कभी खुश रह सकता है? किसी को कष्ट देने के बाद क्या कभी व्यक्ति खुश रह सकता है? नहीं। जब हम किसी को दुख देते हैं, कोई ऐसे वैसे शब्द कह देते हैं, ऐसे वैसे बोल बोल देते हैं, कई बार हम कहते हैं मेरे मुख से निकल गया, आई डोंट केयर, लेकिन जब ये कह देते दूसरे के प्रति, भले उसको केयर नहीं है, लेकिन क्या वो स्वयं खुश रह पाता है? उस समय नहीं रह पाता है। उसका इमीडिएट फल उसके जीवन में जरूर आता है कि उसकी खुशी गायब हो जाती है। इसीलिए जितना हम भीतर से समृद्ध है, आध्यात्मिक रीति से समृद्ध है, आत्मा हमारी बहुत ऊंचे संस्कारों को ग्रहण करते जा रही है, तब जा करके हम सदा के लिए खुशी का अनुभव कर सकते हैं, और तब हमारा खुशी का इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स राइज होने लगता है। आज इसीलिए जब भी किसी को पूछा जाता, कई बार दुनिया के अंदर लोगों से पूछना आरंभ किया कि आपके हिसाब से खुशी किसको कहा जाता है, कई लोगों ने यही कहा, जब हम दूसरों के प्रति केयर करते हैं, जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं, जब हम किसी को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जब हम किसी को संतुष्ट प्रदान करते हैं, तब हमें खुशी प्राप्त होती है। भावार्थ तो यही है ना कि देने से ही प्राप्ति होगी खुशी की, तो क्यों नहीं आज से संकल्प करें हम कुछ न कुछ दें। और कुछ नहीं, कोई रास्ता किसी को क्रॉस करा देता है हाथ पकड़ करके, उसके बाद देखो कितनी खुशी मिलती है, एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। इस तरह से जब हम नेचर को भी कोई ना कोई रीति से संरक्षणा देना शुरू करते हैं, पशु पक्षियों को किसी भी तरह से, हम एक गगन में उड़ता पंछी है, लेकिन अगर गर्मी के दिनों में हमने पानी रख दिया और वो पक्षी पानी पीता है, इतना करने से भी व्यक्ति को कितनी खुशी अंदर मिलती है, मैंने कुछ दिया। तो इसीलिए आध्यात्मिकता ही एकमात्र जवाब है कि जो व्यक्ति के भीतर के हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाता जाएगा और सदा खुश रहेगा। आज व्यक्ति को कभी भी कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन के अंदर कौन से दिन अच्छे रहे, या तुम्हारी कोई जीवन की ऐसी कोई बात हो तो आप सुनाइए, तो देखेंगे व्यक्ति के जीवन में उदासी की इतनी बातें हैं सुनाने के लिए, लेकिन खुशी के पल के लिए अगर सुनाने के लिए कहा जाए तो कहेंगे याद करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कौन सी बात थी, कब था लास्ट में जब बहुत खुश हुए थे, माना ऐसी खुशी गायब हो गई है हमारे जीवन से। और जबकि आत्मा के लिए कहा जाता है कि आत्मा का ओरिजिनल नेचर सत चित आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप आत्मा का, उसकी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से होती है,
तो सत चित आनंद स्वरूप है परमात्मा भी और हम आत्मा का भी वही स्वरूप है। लेकिन शायद हम उस स्वरूप से कितना दूर हो गए हैं। आवश्यकता है कि हम वापस अपनी उस वास्तविकता की ओर जाएं, उसमें अपने कॉन्शियसनेस को स्टेबलाइज करें, और जब उसमें स्टेबलाइज करेंगे और उस स्वरूप में नेचुरल रहना शुरू करेंगे तो हमें बाहर से खुशी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तब हम भीतर से सबको देना शुरू करेंगे और जितना देते जाएंगे, बांटते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। कहा भी जाता है खुशी बांटने से बढ़ती है, प्यार बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बांटते जाओ और बढ़ाते जाओ, यही एक सिंपल सीक्रेट है जीवन को सदा खुशी में रखने के लिए। तो इसीलिए इस सिंपल फिलॉसफी को जीवन में अप्लाई करते हुए हम देखो दिन भर में कितनी खुशी बटोर सकते हैं, कितनी खुशी अनेकों को दे भी सकते हैं, और जीवन को सदा खुशी से भरपूर जी सकते हैं। यही तो जीवन है, इसी का नाम जीवन है। तो चलिए, भारत जो भरपूर था सर्व खजानों से, उसमें भी खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह, इन खजानों से जो भरपूरता थी, सिर्फ त्यौहार मना करके उमंग उत्साह में आने के बजाय हर दिन हमारा उमंग उत्साह, खुशी, आनंद, संतुष्टि, भरपूरता से हम बिताएं, इसी का नाम जीवन है, और जीवन का सच्चा आनंद अनुभव करें। ओम शांति।